हेलो फ्रेंड्स, संगीताज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बेबी कॉर्न राइस बनाएंगे। तो बेबी कॉर्न राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, 1 कप मैंने लिया है बासमती राइस लिया है। जो ये बासमती राइस मैंने यूज़ किया है वो दावत का जो आता है वही मैंने यूज़ किया है। तो ये राइस को हम पानी से हम धो लेते हैं। तो देखिए, मैंने ये राइस को 2-3 बार पानी से अच्छे से मैंने ये धो लिया है। तो दूसरी साइड गैस पर मैंने एक बड़ा बर्तन में मैंने 4 से 5 कप पानी मैंने डाल दिया है। उसमें मैंने डाला था थोड़ा सा नमक एंड 1/2 स्पून जितना मैंने डाला था तेल। अब हम उसमें डालेंगे बासमती राइस, वॉश किया हुआ राइस है वो हम डाल देते हैं। तो ये बासमती राइस को बॉईल करें तब भी उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के बॉईल करें तो ये राइस एकदम खिलखिला बनेगा। तो ये तो बीच में भी हम इस तरह से चेक भी कर सकते हैं कि हमारा राइस ही बॉईल हो गया है या नहीं। तो ये राइस बॉईल नहीं हुआ है, आधा ही हुआ है। अब हम उसमें डालेंगे 1/4 कप मैंने लिया है ये हरा मटर, ये फ्रोजन मटर मैंने यूज़ किया है। तो ये राइस को हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो ये राइस को खिलखिला बनाना है तो ये राइस को थोड़ा सा राइस को कच्चा रखिए तो ये राइस एकदम खिलखिला बनेगा। एकदम अच्छे से हम राइस को बॉईल करेंगे तो ये राइस खिचड़ी की टाइप हो जाता है और चिकना भी हो जाता है। तो देखिए, हमारा ये राइस थोड़ा सा ये कच्चा है तो बस गैस की फ्लेम में बंद कर देती हूँ। तो बस इस तरह से राइस को बॉईल करना है तो हमारा राइस एकदम खिलखिला तैयार होगा। तो ये राइस है वो हम एक छन्नी में हम निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं एकदम खिलखिला राइस हमारा तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है बेबी कॉर्न लिया है। तो ये बेबी कॉर्न है, फ्रोजन भी नहीं है, फ्रेश भी नहीं है, जो टिन में आता है वही मैंने यूज़ किया है। तो ये बेबी कॉर्न को हम कट कर लेते हैं। तो मैं ये बेबी कॉर्न को थोड़ा सा बड़े बड़े टुकड़ों में मैं कट कर रही हूँ। आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी आप कट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं ये बेबी कॉर्न को कट कर लेती हूँ। तो ये हमारा बेबी कॉर्न रेडी है। तो ए साइड मैंने लिया है ये बेल पेपर लिया है ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड। ये मैंने बेल पेपर को मैंने कट कर लिया था। तो ये हमारा बेल पेपर भी रेडी है, हमारा ये बेबी कॉर्न भी रेडी है। तो अब हम ये बेबी कॉर्न को फ्राई कर लेते हैं। तो गैस पर मैंने तेल गरम करने के लिए मैंने पहले से ही मैंने रख दिया था। तो ये हमारा तेल एकदम अच्छे से गरम हो गया है। तो ये बेबी कॉर्न को एकदम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम हाई है और तेल भी अच्छे से गरम है तो हाई फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे तो फटाफट ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और एकदम क्रिस्पी क्रंची हो जाएगा। तो देखिए, हमारा बेबी कॉर्न एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इस तरह से बेबी कॉर्न को फ्राई कर लेना है। बेबी कॉर्न को फ्राई करके हम राइस में डालेंगे तो जो बेबी कॉर्न का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। तो हम इस तरह से दूसरा बेबी कॉर्न को भी हम इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने बेबी कॉर्न को फ्राई कर लिया है। तो दूसरी साइड हम राइस की तैयारी भी कर लेते हैं। तो गैस पर मैंने रख दिया है, कढ़ाई रख दिया है। अब हम उसमें डालेंगे तेल डालेंगे। तो 2 टेबल स्पून जितना मैं डाल रही हूँ तेल। तो तेल हमारा गर्म हो गया है तो 1/2 स्पून जितना हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे येलो, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन बेल पेपर है वो हम डाल देते हैं। उसके बाद हम अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो ये बेल पेपर को अच्छे से नहीं पकाना है, 1/2 मिनट के लिए इस तरह से मिक्स कर लेना है तेल में अच्छे से। ये बेल पेपर को नहीं पकाना है। तो ये बेल पेपर है बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ये बेल पेपर को स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ बेबी कॉर्न से भी राइस बना सकते हैं। तो ये बेल पेपर को अच्छे से नहीं पकाना है, थोड़ा सा पकाना है। तो अब हम उसमें डालेंगे नमक डालेंगे। नमक आप अपना हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब हम उसमें डालेंगे ये फ्राई किया हुआ बेबी कॉर्न है वो हम डाल देते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो ये बेबी कॉर्न राइस की रेसिपी एकदम सिंपल है, बनाना भी एकदम आसान है। ये रेसिपी हम बच्चे को स्कूल में टिफिन में भी हम दे सकते हैं। तो मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जितना ये है चिली सॉस है तो वो हम डाल देते हैं।
उसके बाद मैं उसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून जितना टोमेटो केचप डालूंगी। मैंने अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, तो अब हम उसमें डालेंगे राइस डालेंगे। बॉईल किया हुआ राइस है वो हम डालेंगे। मैं ये सारा का सारा राइस नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही मैं डालने वाली हूँ। आप अपना हिसाब से आप ये राइस उसमें डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से राइस डाल दीजिए, उसके बाद हमारा ये बेबी कॉर्न राइस हमारा रेडी है। तो ऊपर से हम थोड़ा सा डालेंगे नमक। तो देख सकते हैं हमारा ये खिलखिला बेबी कॉर्न राइस बनके तैयार हो गया है। तो हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो ये बेबी कॉर्न राइस है, हम बच्चे को स्कूल में लंच में भी हम दे सकते हैं, हम डिनर में थोड़ा सा लाइट खाना है, तो इस तरह से हम ये बेबी कॉर्न राइस बना के हम एंजॉय कर सकते हैं। और थोड़ी छोटी मोटी भूख है तो ए बेबी कॉर्न राइस उसके साथ मैंने बनाया है, ए चिली बेबी कॉर्न बनाया है, तो चिली बेबी कॉर्न के साथ भी हम एंजॉय कर सकते हैं। और हम कोई भी सूप है, मंचाओ सूप, टोमेटो सूप, कोई भी सूप, कॉर्न सूप, उसके साथ भी हम ये बेबी कॉर्न राइस को हम एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा बेबी कॉर्न राइस रेडी हो गया है। तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।